हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आज है डे 19 ऑफ हैशटैग व्हाट्स इन माय प्लेट एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खांडवी की रेसिपी जो बहुत ही यम्मी बनती है। और जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, मैं उन सबको बता दूँ मेरे चैनल पे चल रही है सीरीज जिसका नाम है हैशटैग व्हाट्स इन माय प्लेट एंड मैं डेली बहुत ही टेस्टी रेसिपीज लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर अमेजिंग वेट लॉस रेसिपीज। गणपति बापा का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 बॉल बेसन ऐड कर लेंगे, देन 1 बॉल कर्ड यानी कि दही ऐड कर लेंगे, 2 कप यहाँ पे आपको वाटर ऐड कर लेना है। गाइस, इस रेसिपी में सारी चीज़ें आपको क्वांटिटी वाइज ही ऐड करनी है, अदरवाइज ये रेसिपी नहीं बनेगी। एंड इसको बनाने की एक परफेक्ट टेक्निक होती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक एंड थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, देन थोड़ी सी हरी मिर्ची। देन इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अगर थोड़े से भी लम्स रह जाएंगे तो ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है कढ़ाई में। एंड देन इस बैटर को हम कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे। आप जैसे जैसे इसको मिक्स करोगे आपको पता चलेगा कि ये बैटर जो है वो थिक होता जा रहा है। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जैसे ही मेरी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं मेरे चैनल पे डाइट प्लान्स अपलोड करूँगी। मैंने पहले भी इस चैनल पे डाइट प्लान्स अपलोड किए हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक से वो डाइट प्लान्स नहीं देखे हैं जल्दी से जाके देखिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। गाइस, आपको इस बैटर को लो फ्लेम पर ही कुक करना है। आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ये काफ़ी थिक भी हो गया है। चेक करने के लिए आप थोड़ा सा बैटर थाली पे स्प्रेड कर सकते हो एंड अगर वो इजीली निकल जाए यानी हमारी जो खांडवी का बैटर है वो रेडी हो चुका है। सो अब हमने यहाँ पे ऑयल से ग्रीस की हुई थाली ले ली है। इस बैटर को हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। गाइस, आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो बैटर है वो एकदम गर्म ही होना चाहिए। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छी तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाएगा, आपकी रेसिपी पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। स्प्रेड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। गाइस, आपको इस बैटर को इवनली स्प्रेड करना है, जितना हो सके आपको इसको थिन रखना है। जैसे ही ये बैटर ठंडा हो जाए देन इसको हम स्ट्रिप्स में कट करके रोल कर लेंगे। सो गाइस, जैसे मैंने आपको आगे भी इस वीडियो में बोला था कि इस रेसिपी में टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस रेसिपी में हमने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए हैं, बट आपको जस्ट टेक्निक का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आपको क्वांटिटी वाइज ही ऐड करनी है, अदरवाइज आपकी पूरी रेसिपी वेस्ट हो जाएगी। ऊपर से हम तड़का डाल देंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे तेल में थोड़ी सी राई, तिल सीड्स एंड थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर एंड ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर सकते हो। गाइस, ये सेम रेसिपी ओवन में भी बनती है, सो अगर आपको वो वाली रेसिपी भी देखनी है तो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड आवर यमी रेसिपी इज रेडी। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।